हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यसुनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जरा हूँ तैयार अपना ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट येलो सूट पहन के, और कानों में आज थोड़े पहली बार पहने हैं मैंने अपने गणपति के जो इयररिंग्स हैं। आज तो मैंने किसी वीडियो में नहीं डाले हैं, बस इतने सारे इयररिंग्स हैं कि डालने का मौका ही नहीं मिलता। और आज थोड़ा डिफरेंट लुक लिया है, थोड़ा वॉच वगैरह पहन के और ये मेरी ब्रेसलेट्स वगैरह पहन के। नॉर्मली मैं कड़े पहनती हूँ। सो गाइज, मैंने अभी शूट की है अपनी वीडियोस यूट्यूब पे, वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कुछ शेयर भी किया था कि सब्सक्राइबर्स मेरे डाउन जा रहे हैं, तो वो अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। मुझे ये नहीं पता क्यों ही हो रहा है मेरे साथ ये, मैं क्या ही करूँ। लेकिन मैं अपनी कोशिश लाइक ऑलवेज आई सेड की जारी रखूंगी, मैं काम करती रहूँगी YouTube पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। तो बस देख लीजिए, यही है सबूत कि हम तैयार होके बना चुके अपनी वीडियोस। थोड़ा बहुत दोपहर में रेस्ट वगैरह किया और उसके बाद तैयार होकर बनाई है, काम वगैरह सारा करके जल्दी निमट गया था हमारा। तो बस अब थोड़ा चेंज वगैरह करेंगे, और आदि का ट्यूशन का टाइम हो गया है, उसकी तबीयत अब ठीक है पहले से, तो इसीलिए आज वो ट्यूशन जाएंगे। तो बस मैं चेंज करके उनको जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और आदि को मैं ट्यूशन से ले आई हूँ। अगेन अब आ गए हैं हम किचन में बनाने अपना डिनर। डिनर में आज हम बना रहे हैं घिया के कोफ्ते। जी गाइस, गर्मियाँ शुरू होती नहीं है कि गर्मियों वाले जो हमारे डिशेज है वो स्टार्ट हो जाती है बननी, तो बना रहे हैं घिया के कोफ्ते। तो घिया के कोफ्ते के लिए पहले मैंने ये लिया है घिया। ये गाइस, मैंने एप्रन ऐसी बांधती हूँ मैं। सो घिया ले लिया है और इसको पील ऑफ इसका कर दिया है, इस तरीके से छिलका वगैरह उतार दिया है, वॉश कर लिया है। अब इसको मैं ग्रेटर में घिसूंगी और उसके बाद की रेसिपी दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बना रही हूँ। सो गाइस, इस तरीके से घिया को मैंने घिस लिया है, ये देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा बेसन, और कढ़ाई में रख दिया है ऑयल, और बेसन के साथ साथ इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले, वो भी दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, बेसन के साथ साथ इसके अंदर डलेगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हींग। सो गाइस, ये रही थोड़ी सी हींग, और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। और गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूंगी ये जो रखा है मैंने खाने का सोडा, और मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं तो मैं इसलिए ऐसे शूट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा खाने का सोडा भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये बने सॉफ्ट। सो गाइस, इस तरीके से ये हमारा बन गया है बैटर, और इसको कढ़ाई के अंदर हमको पकौड़े तलने हैं, तो वो मैं तल देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखिए, इस तरीके से हमारे हो रहे हैं फ्राई कोफ्ते, और यहाँ थोड़ी सी तैयारी कर ली है पकौड़ी के लिए, क्योंकि गाइस मम्मी जी का मन कर गया पकौड़ियाँ खाने का। तो आई वो किचन में कि क्या बना रही हो खाने में, मतलब कोफ्ते बना रही हूँ, तो फटाफट आई कह रही कि थोड़ी सी पकौड़ी और बना दे मेरे लिए। तो बस मैं थोड़ी सी पकौड़ी और बनाऊँगी उनके लिए, फिलहाल अभी कोफ्ते तैयार हो गए, कैसे लगता है दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये तैयार है हमारे कोफ्ते, और दूसरी कढ़ाई रख दी है मैंने, उसमें डाल दिया है ऑयल, ये ज़रा हल्का सा टुकड़ा है। सो ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और डालेंगे इसके अंदर हींग, और जीरा मैंने डाल रही हूँ मम्मी जी के दाल में फंस जाएगा, और डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज, प्याज डाल के हम इसको थोड़ी देर भूनना है। सो गाइस, प्याज भुन गई है, और टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं, उसमें डाल दी है हरी मिर्च। अब इन दोनों को डालकर मुझे अच्छे से इसको पकाना है, और इसमें डालने हैं कुछ मसाले। तो मसाले मुझे डालने हैं, ये रही हमारी मसालदानी, तो मसाले ऐड कर देती हूँ। मसालों में ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी, धनिया, और डालेंगे लाल मिर्च, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स।
तो गाइस देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी दही, और इस दही को इसके अंदर हमें करना है मिक्स। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसके अंदर हमें डालना है पानी। सो गाइस इस तरीके से मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ढेर सारा पानी, और अब हमें इसको पकाना है। इसके अंदर उबाल आएगा और थोड़ा सा ये पानी होगा गाढ़ा। तो गाइस इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिए इस तरीके से पानी में आ गया है उबाल। अब थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे तब तक ये गाढ़ा हो जाए। और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हैं उनको ज़रा करना है अभी इतने। चलिए चलते हैं घर में क्या हो रहा है और मुझे क्या हो रहा है। टीवी सब कहेंगे टीवी बहुत देखती है दिव्या सोनी व्लॉग्स में उनकी मदर इन लॉ। गाइस और क्या करें बताओ, है ना भाई। बैठे बैठे टीवी टीवी बैठे बैठे क्या करें, करना है एक काम। बढ़िया बढ़िया वो देखो शोज तो अब चल रहा है। शिव शक्ति आ गई, इनकी आदाश वापस आ गई। देखूंगी, दो तीन दिन से देखा नहीं है। अच्छा देखा नहीं है, ओके चलो भाई चलते हैं दूसरे वन में क्या हो रहा है देखते हैं। क्या कर रहे हो? इसके धागे ये बांध रहा था कि ये उड़े ना। बस इनको तो यही कुछ ना कुछ करना है, धागे से ये बांध रहा हूँ वो बांध रहा हूँ। ये देखो कॉपी के ये देखो ड्रॉअर। माय गॉड आदू क्या ही कर रहे हो आप। अब आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? क्यों भाई क्या लग रही है? लग रही है क्या लग रही है? तबीयत खराब थोड़ी सी खराब लग रही है। तब आप जमीन पे बैठे हो ठंडी ठंडी? हाँ ठीक है, तभी ठंडी ठंडी जमीन तक ठीक हो जाऊँ। माय गॉड आदि कुछ भी गर्मी की वजह से हुआ है। गर्मी की वजह से हुआ है? हाँ गर्मी ठंडी। ये देखो इनकी किट्टी, ये देखो कागज में बांध दिए। माय गॉड ये क्या क्या करता रहता है। सो देख लीजिए गाइस कितने कम हो गया है पानी ये, और गाढ़ा भी हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये जो रखे हैं कोफ्ते इन्हें डाल दूंगी। हाँ आलू ड्रम को तो मैंने निकाल लिया अलग। देखिए इस तरीके से इनको मुझे डाल देना है इसके अंदर, और थोड़ी देर पकाऊंगी इनको। हल्का सा और पकाना है और हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी। ओ गाइस मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, और चेंज कर लिए मैंने अपने कपड़े। और मेरा घर थोड़ा सा अभी बस ऐसे ही फैला हुआ है। एक्चुअली आदू ने इतना घर फैला रखा है, थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है वो कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो बस थोड़ी देर अब हम निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा सा मेरे को कुछ सामान वगैरह लाना था उसके लिए हम जा रहे हैं बाहर। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। थोड़ा बहुत सामान लेना था, और उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला कि चलो थोड़ा सा हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो हम वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो लेके? दूर थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं। दूर दूर चलेंगे। अब पता नहीं मैं शूट तो कर रही हूँ गाइस, आई होप हम अच्छे से आ जरूर रहे हो कि बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ मैं। दूर लेके जा रहे हो गाइस, जब भी आपके पास समय ज्यादा हो और डीजल या पेट्रोल ज्यादा हो तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। ओके फूक के आए समय और डीजल फूक के आए। बीवी को भी थोड़ा घुमा के लाएं, वो भी थोड़ा खुश हो जाएगी, है ना। हाँ। तो चलिए गाइस हम अपनी कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव एंजॉय, और मिलते हैं आपसे घर पे। ये देखिए आदि खा रहे आइसक्रीम। आदि बुखार ठीक हो गया आपका? कल स्कूल जाओगे ना? देख लो मुझे दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा, बुखार हो रहा है, और जिद पकड़ के मंगवाई आइसक्रीम। अब तू स्कूल जाएगा कल, ठीक है? मैंने जिद पकड़ के नहीं मंगाई, आपने खुद बोला था कॉल पे। अरे झूठ बोल रहा, इन्होंने मुझे चॉकलेट का ऑर्डर दिया,
चॉकलेट की जगह मैंने कहा चलो डैडी के, डैडी बोल रहे हैं ठीक हो गया तो आइसक्रीम खा लेगा टेस्टी सी, है ना। अब स्कूल जाना है कल, ठीक है गाइस। आ चुके हैं हम अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करके, और यहाँ देखिए आधी की आइसक्रीम गाइस हम भी लाए अपनी आइसक्रीम, मम्मी जी भी खा नहीं सकती हैं तो मम्मी जी को थोड़ी सी चखा दी हमने लिटिल बिट कि थोड़ी सी खा लो। और कोफ्ते कैसे बने मम्मी जी? कोफ्ते बन गए हैं, तो अब हम खाएंगे डिनर और एंजॉय करेंगे अपनी आइसक्रीम। सो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट, शेयर इट, बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।